अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना गिव अवे का विनर अनाउंस कर देते हैं, तो जल्दी से देख लें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है। जिन लोगों ने प्रॉपरली गिव अवे में पार्ट लिया था उनके मैंने नेम्स मेंशन कर लिए हैं, और अभी देखते हैं कि गिव अवे कौन विन करता है। देखो गाइस, लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर आपका नाम लिस्ट पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जिसने सारा प्रोसेस जिस तरह बताया गया था इन डिटेल वो फॉलो किया, और उस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट समेत सारा मेरी बहन लाइबा को डीएम किया, उसी के नाम हमने डाले हैं। और अभी आप कोई वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीडियो देख जो भी इस टाइम देख रहे हो कि मैसेज कर दो कि अभी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जिनका नाम आ गया, जिन्होंने प्रोसेस किया, जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, उनके नाम ये आ गया सामने। तो ये नाम देख लें, इन लोगों ने प्रॉपर जो रूल्स थे वो फॉलो किए। और देख लें, हमने कोई अपने जनरेटर पे भी नहीं डाला कि हमने ये जनरेटर बनाया हुआ, इधर नहीं है, ये इधर आ, सॉरी, ये है, ये वेबसाइट है, इसमें डाला है। नाम भी आप अगर सोचें जी, ये हमने एक स्केच सीन बनाया हुआ है ताकि ये बंदा पहले इसका नाम आ जाए, तो ये देखें शफल कर रहा है नाम, ये हमने किया, ये खुद शफल हो गया, आगे पीछे हो गया। अभी भी अगर आप कहें कि हम अपना बायस शो कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह हाफिज आपके लिए। फिर पापा, हमारे पास जो नेम्स हैं वो हिबा है, रामीन है, आसमा है, खौला है और जलालुद्दीन है। आपको क्या लगता है इनमें से गिव अवे का विनर कौन पीछे होगा? पढ़वाते हो पापा के? नहीं, फिर भी पापा बता मेरा ख्याल जो है ना जी, नाम जो पावरफुल है ना जी, जलालुद्दीन। आपको पता है पहले भी गिव अवे विन कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये जलालुद्दीन बड़ा पावरफुल नाम है। चलो जी, रोज स्पिन करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3। मुझे धक धक हो रहा है। रामीन, कॉन्ग्रेचुलेशन रामीन, पापा रामीन जीत गई। Congratulations रामीन, you are the winner। और रूल के मुताबिक आपने विन किए हैं, ये देखें, 8,367 रुपीस। तो जल्दी से मुझे कॉन्टेक्ट करें और अपना गिव अवे सरप्राइज ले लें। अस्सलाम वालेकुम, पखेर आली तासितोल, वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली आई एम बैक टू कोहार्ट, और मैंने सोचा कि अब तो मैं आप सबके लिए द मोस्ट मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शूट कर ही लूँ। और द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कौन सी थी? माई समर वार्डरोब। हर कोई इस बार इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि मैंने इस बार मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस खुद डिज़ाइन किए हैं। स्पीकिंग, मैं काफ़ी अरसे से एक काम करना चाहती थी, और वो ये था, I wanted to introduce my own clothing brand. लेकिन शायद नसीब में फिलहाल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, और इस वीडियो से मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी डिज़ाइनिंग में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर कमेंट करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है, एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलना। सबसे पहले जो मैंने ड्रेस पहना है मैं वही दिखा देती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अपना ब्रांड आएगा ना तो मैं ज़रूर इस तरह के ड्रेसेस लॉन्च करूँगी, जो कि होंगे सॉलिड कलर्स के, जो कि होंगे कॉर्ड सेट्स विद डिफरेंट प्रिंटेड दुपट्टास। मुझे ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह प्लस साइज हैं, और उनके लिए पाकिस्तान में अवेलेबल इतनी वेराइटी और स्टाइल्स नहीं होते। सबसे पहले इन कपड़ों की बात करते हैं। ये कपड़े मेरे फेवरेट हैं, ये मैंने बड़े दिल से डिज़ाइन किए, और ऑनेस्टली मेरा ब्रांड हैगा तो सबसे पहले मैं यही डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि ये फैब्रिक ना अरेबिक लिनन है ना लॉन है। दिस इज सच एन अमेजिंग फैब्रिक, जो बहुत ही ब्रीजी कूली सा फैब्रिक है, आपको पहन के बहुत मज़ा आना है। एंड स्पेशली द डिटेल्स, मैंने इसके गले पे सेम कलर का फ्लावर लेस लगाई है इस शेप में, और मैंने इसके स्लीव्स से ये देखें, स्लीव्स पे ये डिटेलिंग की है, देखें। और इसके जो ट्राउजर है वो ब्लैक क्यूलॉट है, उस पर भी ये फ्लावर वाली लेस लगी हुई है, और उसका पांचा है 16 इंचेस, जो कि काफ़ी खुला होता है क्योंकि आजकल खुले पांचे बहुत इन ट्रेंड है। अब मैंने इसको यूनिक और अपने स्टाइल में कैसे लाना था, वो ऐसे कि मैंने इसके साथ बहुत ही प्यारा
वाइट सा फैब्रिक लिया फॉर दुपट्टा. बेसिकली ये दुपट्टे का कपड़ा नहीं था, आप इससे शर्ट बना लें, ट्राउजर बना लें, जो कुछ बना लें. इसका फैब्रिक भी कोई जैसे फैब्रिक लेलिन होता है और उसमें सिल्क ऐड कर लो, इस तरह का फैब्रिक है. लेकिन मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इन कपड़ों पे कि मैं आप सबको बता नहीं सकते. तो दिस इज माय फेवरेट ड्रेस फ्रॉम माय कलेक्शन. उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे आपने बताना है. ये कंप्लीट फैब्रिक लेसेस सब कुछ मैंने राबी सेंटर से लिए हैं. राबी सेंटर रावलपिंडी बहरिया टाउन फेस 7, वहां से ही सब कुछ मैंने लिया है. और टेलर डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगी, बहरिया टाउन फेस 8 में है, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीमेल टेलर हैं, जो कि बहुत टाइम पे काम देती हैं और बहुत 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 अच्छी डिजाइनिंग करती हैं. तो अगर आप उनके पास जा रहे हैं, या तो मेरा रेफरेंस उनको दे दें, या तो अगर आपसे डिजाइनिंग नहीं होती, आपको आइडिया नहीं है, तो उनको मेरी वीडियोस दिखा के डिजाइन बता दें, वो आपको एग्जैक्ट वैसे ही बना देंगी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा डिजाइन, जो कि बहुत ही प्यारा प्रिंट है. दिस टाइम आई वॉज ऑब्सेस्ड विद ग्रे, मतलब डार्क कलर्स प्लस साइज लोग रिलेट कर सकते होंगे कि हमें कितना ज़्यादा डार्क वार्डरोब अच्छी लगती है. लेकिन इसकी डिटेल्स चेक करेंगे, देखें कितने प्यारे टसल्स हैं, कितना प्यारा फैब्रिक है. फैब्रिक बहुत लाइट, बहुत एरी है. स्लीव्स पे मैंने इसके इस तरह की लेस लगवाई है, और इस शर्ट की लेंथ होगी 42. बहुत ही, मतलब मेरा फेवरेट है ये, बहुत सिंपल सा स्टाइल. और याद रखें, जो लोग ब्रॉड हैं या हैवी हैं या हेल्दी है इन एरिया से, तो वो कोशिश करें कि वो लोग राउंड नेक ना पहने. मैं राउंड नेक नहीं पहनती, मैं तो या ओवरलैपिंग नेक पहनती हूँ, या बैंड पहनती हूँ, या बोट पहनती हूँ, क्योंकि इन तीन नेक लाइन से आप स्लिम और स्मार्ट लगते हो. इस बार मैंने सारे ट्राउजर्स क्यूलॉट बनाए, क्योंकि क्यूलॉट बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है. लेकिन कुछ के मैंने 16 इंचेस पोंचे रखे, और कुछ के मैंने 12 इंचेस, कुछ के 14 इंचेस. अब ये आई एम नॉट श्योर ये कितने इंचेस हैं, लेकिन ये ओवरऑल बहुत लूज सा ट्राउज़र है. और यकीन माने, समर में आप टाइट्स वगैरह नहीं पहन सकते, बहुत इरिटेट हो जाता है बंदा. तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, ये खुलो पोंचो वाले ट्राउजर्स बनाएं. एक तो इंसान बहुत ग्रेसफुल लगता है, प्लस बहुत कंफर्टेबल होता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वाइट फैब्रिक बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें जो सी थ्रू ना हो, क्योंकि जब सी थ्रू फैब्रिक हो तो आप ओवर लगते हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा हैवी लगते हो. तो इसीलिए मेरी नज़र वाइट पे जाती थी, लेकिन मैं रुक जाती थी कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा हैवी ना लगूँ, इसलिए मैंने वाइट नहीं लिया. लेकिन मेरी नज़र एग्जैक्ट एक ऐसे फैब्रिक पे पड़ी जिसमें वाइट कलर भी था, लाइट ब्लू भी था, और डार्क ब्लू भी था, और वहाँ पर ही मैं स्टक हो गई. ये देखें, दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्रिंट. एक तो इस तरह के प्रिंट से आप बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट लगते हो, एंड आई ऑनेस्टली फेल इन लव विद इट. ये बहुत ही प्यारा एरी सा फैब्रिक है. इस बार बहुत ज़्यादा फैब्रिक की वेराइटी थी राबी सेंटर में, और मुझे बैन बहुत अच्छे लगते हैं. अगर मेरा बस चले तो मैं अपने सारे कपड़े या तो ओवरलैपिंग नेक कर दूँ, या तो मैं बैन बनवा लूँ. इसका मैंने बहुत ही, देखें, छोटा सा बैन बनवाया है. फ्रंट पे मैंने बटन्स लगवाए हैं, क्योंकि मुझे बड़े गले बहुत बुरे लगते हैं. इसमें मैंने कोई डिटेल्स, कोई लेस नहीं लगवाई, खुले मैंने स्लीव्स बनवाई हैं. लेकिन एक काम मैंने किया है, इसको क्या कहते हो आप लोग, यहाँ पे एक चुनट सी मैंने दी है, एक यहाँ पे दी है, एक बैक पे दी है. अच्छा, ये मैं कैसे इंस्पायर हुई इस डिज़ाइन से, ऐसे डिज़ाइंस जनरेशन पे बहुत पड़े हुए थे. और जिन लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता दूं, जनरेशन के कपड़े बहुत आला होते हैं, फॉर प्लस साइज भी. तो उनके ये डिज़ाइंस मुझे बहुत सूट करते हैं, इवन दो मैं प्लस साइज हूँ. तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस तरह से बनाते हैं, प्लेन है, सिर्फ यहाँ पे चुनट डलवा देते हैं कि ये स्टाइलिश लगे और ऐसे लगे जैसे मैंने डिज़ाइनर से लिया. इसका ट्राउज़र भी मैंने क्यूलॉट सिलवाया है. सारे ट्राउजर क्यूलॉट हैं, तो उनको दिखाने का फ़ायदा नहीं है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कि अगर आप लोग मेरी तरह प्लस साइज हो, तो आप लोग अपना हाई वेस्टेड ट्राउज़र बनाओ. मतलब कि आपका जो आसन आएगा वो काफ़ी खुला आएगा. हाई वेस्टेड क्यों? जब आप हाई वेस्टेड पहनोगे ट्राउज़र,
क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी मेरा टमी एरिया है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट सो मच वेट जिसकी वजह से लूज स्किन मेरी टमी पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब मैं हाई वेस्टेड ट्राउजर पहनती हूँ तो मेरा टमी थोड़ा टक्ड लगता है और बहुत ही अच्छी मेरी शेप आती है। तो अगर आप भी मेरी तरह प्लस साइज गर्ल हैं तो आप सबको चाहिए कि हाई वेस्टेड ट्राउजर बनाएं, क्योंकि उससे आपकी टमी कंप्रेस लगेगी। जैसे कि मैंने कहा है, डार्क कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आप स्लिम, स्मार्ट और फ्रेश लगते हो। तो मेरी नज़र पड़ी इस प्यारे ब्राउन पर्पल से प्रिंट पे। देखिए, आपने नोट किया होगा मुझे सिर्फ टाई एंड डाई वाले प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे साथ अच्छे भी लगते हैं और जितने भी प्लस साइज लोग हैं उनके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। याद रखें, आप प्लस साइज हैं तो लूज फिटिंग में कपड़े पहने, जितने लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे उतने आप लोग एलिगेंट लगोगे, डिसेंट लगोगे। जितने फिटिंग में कपड़े पहनोगे उतना आपका मोटापा हर जगह से नजर आएगा। तो इसमें ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि मैं खुद प्लस साइज हूँ और आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। क्योंकि आपने नोट किया होगा एक चीज, जब हम जैसे प्लस साइज लोग बहुत फिटेड कपड़े पहनते हैं तो हमारे लव हैंडल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, हमारे टायर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितना लूज फिट होगा उतने आप अच्छे लगोगे, डिसेंट लगोगे, प्रेजेंटेबल लगोगे। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा डिसेंटली डिज़ाइन किया है, इसकी सिंपल सा गला है विद बहुत ही छोटा सा बैन, और इस पर मैंने 3-3 बटन्स लगवाए हैं जस्ट। इसकी ये डिज़ाइनिंग डिटेल्स एंड लेस नहीं लगवाई मैंने इस पर, और इसको मैंने पेयर अप किया है विद वाइट क्यूलॉट, क्योंकि ये वाइट कलर बहुत उठ रहा था। अगर मैं ब्लैक करती तो हर एक चीज़ बहुत डार्क हो जाती, इसलिए इसमें एक फ्रेशनेस लाने के लिए मैंने इसको पेयर अप किया विद वाइट पैंट्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे रेड कलर जितना बुरा लगता था उतने मुझे अभी शोक कलर्स अच्छे लगना शुरू हो गए, रेड भी, ऑरेंज भी। तो मेरी नज़र गई इस फैब्रिक पे। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डॉटेड प्रिंट है ना, तो मुझे इस तरह के प्रिंट्स अच्छे लगते हैं, मुझे वो प्रॉपर फूल पत्तियाँ नहीं अच्छी लगती ऑनेस्टली। तो इसलिए मैंने ये फैब्रिक सिलेक्ट किया। प्लस ये देखें, इसके मैंने बैंड पे भी ये मैंने डिटेल्स लगवाई हैं, इसको कहते हैं ओवरलैप नेक। ये देखें, ये मैंने इस तरह बनवाया, यहाँ पे भी बटन्स मैंने लगवाए हैं। ये सारी डिज़ाइनिंग जब आप अच्छे ब्रांड्स फॉलो करते हो या लेते हो या सर्वे करते हो तो आपको बहुत डिज़ाइनिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये स्लीव्स का डिज़ाइन मामा ने बताया था, क्योंकि मामा ने ऐसे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा खाड़ी में भी देखे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में, निशात में भी देखे हैं, जनरेशन में भी देखे हैं, क्रॉस स्टिच में। ये सारी डिटेलिंग मामा ने करवाई है अपने मुताबिक, जो कि बहुत ही प्यारी है। इसका ट्राउज़र मैंने 14 इंचेस बनवाया है, सेम फैब्रिक पोंचे के नीचे यही वाली लेस लगी हुई है, और बस इसी तरह का ये ड्रेस है। मेरा ये नेक फेवरेट है, इसमें इंसान बहुत बहुत स्लिम लगता है। अगर यकीन नहीं आता, अगर ये नेक नहीं पहना तो ज़रूर पहन के देखें। और मैंने इसकी शर्ट की लेंथ 36 रखवाई है, बहुत लॉन्ग नहीं रखवाई। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, अगर आप प्लस साइज़ है और आपकी हाइट छोटी है तो आप बहुत लंबे कपड़े मत पहनो। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरी तरह 5'4" 5'5" है तो आप लंबे, जितने लंबे कपड़े होंगे ना आपके उतने आप ऐसे स्लिम स्मार्ट रखोगे। और जब आपकी शर्ट लंबी हो और ट्राउज़र थोड़ा सा उठा हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, बहुत ज़्यादा, यकीन मानो। अच्छा, एक और बात ऐड करना चाहूँगी, अगर आप प्लस साइज़ हो और मेरी तरह आप अपनी टमी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो तो आप लोगों ने ऐसे कपड़े बनाने हैं जो टमी से लूज़ हों। अब ये देखें, इसमें मेरी वो भी है, पॉकेट भी है, मैंने पॉकेट ऐड करी क्योंकि मुझसे हर वक्त मोबाइल इधर उधर हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ से अपनी सारी शर्ट्स ए लाइन बनाई हैं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे चॉक्स टमी को बिल्कुल ऐसे फंस रहे हों साथ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह आप लोग ने अपनी सारी शर्ट्स नीचे से ए लाइन बनाने, अगर आपको हिप का इशू है या टमी का इशू है। अभी तो मैंने आप सबको बता दी वो ड्रेसेस जिनका फैब्रिक मैंने खुद लिया, खुद डिज़ाइन किया, खुद स्टिच किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कपड़े जो कि मैंने डिज़ाइनर से बाय की हैं, जो कि बहुत ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले आता है ये आर्टिकल जो कि बहुत ही प्यारा है, ये मैंने पिछले साल लिया था, इस ईयर नहीं। आपकी बहन बहुत सोगड़ हो गई है, अभी पहली लाइव ऐसी थी ना, जूही नए कपड़े आते थे फ़ौरन पहन लेती थी, लेकिन अब वाली लाइव ऐसी हो गई है ना कि वो इंतज़ार करती है किसी स्पेशल मोमेंट के लिए और फिर वो अपने कपड़े निकाल के पहनती है, जिसकी वजह से मेरा भाई कहता है तुम बहुत ज़्यादा मामा की तरह हो गई हो। लेकिन होना चाहिए ना आपको, बस हर चीज़ में ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए।
और मेरे पास इतनी ज्यादा इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं, इस दफा इतने मेरे पास ऑनेस्टली पैसे नहीं थे कि मैं बहुत ही लग्जरी ब्रांड्स ले सकती, तो मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े रखे हैं लेकिन ऐसे जो प्रेजेंटेबल हो और अच्छे भी लगें। ये ड्रेस मैंने लिया है, मैं टैग कर लूँगी पेज वेल ड्रेस, राबी सेंटर में इनकी शॉप है और इनके पास बहुत ही प्यारे और बहुत ही रीजनेबल कपड़े हैं। ये देखें, इसकी स्लीव्स देखें, स्टिचिंग देखें, कितने ये प्यारे हैं। और मुझे लगता है ये मैंने 4000 के टू पीस लिए, जो कि कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। स्टिचिंग आप करवाओ, फैब्रिक लो, लेस लो, आपका इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसका ट्राउज़र भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये देखें इसका ट्राउज़र, इसके तंग पांचे खुले नहीं लेकिन पौंचों पे भी वही डिटेलिंग हुई हुई है जो कि कमीज पे हुई हुई है, सॉरी स्लीव्स पे हुई हुई है। तो ये देखें 4500 में इस तरह की क्वालिटी और इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैंने कमीज को सर पे भी रखा, नाक पे भी रखा, लेकिन मुझे समझ नहीं मैं आपको दामन कैसे दिखाऊँ। ये देखें दामन, जो डिटेल इसकी पौंचों पे हुई है, स्लीव्स पे हुई है, वही डिटेलिंग इसकी फ्रंट दामन पे भी हुई हुई है। तो मेरे लिहाज से ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, जो कि बहुत ही रीजनेबल भी है और बहुत अच्छी आपको यहाँ से वैरायटी भी मिल सकती है, टू पीस की भी, थ्री पीस की भी। ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे पेज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप पेज विजिट कर लें या तो जाके इनके पास, या तो जाके इनसे डायरेक्ट खरीदें। और प्लीज़ मेरा रेफरेंस दीजिएगा कि इनको पता चले कि मैं इनकी कितनी हमदर्द हूँ, इनको प्रमोट कर रही हूँ, तो ये भी मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया करें। अब आते हैं एक ऑनलाइन ब्रांड पे जिसके कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और सबसे मज़े की बात इनके पास लूज फिट एक्सेल इतने प्यारे खुले कपड़े होते हैं कि इंसान का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको प्लस साइज ऑप्शन इतने ख़ास नहीं मिलते ऑनेस्टली, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये ब्रांड है सिलाई राइट, और ये मेरा फेवरेट जोड़ा है, मुझे ये 4000 का पड़ा था पिछले साल, इस बार मुझे याद नहीं है। मैं दरअसल आपको पिछले साल के साथ अपने कपड़े दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सारे कपड़े डोनेट कर लिए हैं, लेकिन जो रह गए हैं मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा क्या स्टाइल है, मैं किस किस्म के कपड़े पहनती हूँ। ये देखें ये स्लीव्स, इस पर साड़ी सारी कढ़ाई हुई हुई है, इसकी मैं आपको इसकी शलवार भी दिखाती हूँ, सेम फैब्रिक है, सेम कढ़ाई है। ये मेरे शलवार वाले कपड़े हैं, सेम फैब्रिक, सेम कढ़ाई, अमेजिंग, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, पिछले साल से पहन रही हूँ, कोई ख़राबी नहीं आई, नहीं होना, साफ बात ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं साफ बात बता रही हूँ। जितने लोग मुझे कोलैब के लिए मैसेज करते हैं, लोग स्पॉन्सर करने के लिए मैसेज करते हैं, मैं उनको पहले कहती हूँ यार मुझे पहले कपड़े दिखाओ, वो कहते हैं कि नहीं हम भिजवा देंगे आप प्रमोट कर लेना। मैं कभी भी फेक प्रमोशंस नहीं करती, मैं कभी भी वो चीज़ नहीं प्रमोट करती, बेशक पीआर में आई हूँ मैं वापस कर देती हूँ जो मुझे पर्सनली खुद ना पसंद आए। तो इस चीज़ से आपने बेफिक्र रहना है, आपकी बहन कभी भी आप लोगों को झूठी रिकमेंडेशन नहीं देगी। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक दूसरा ऑनलाइन ब्रांड जो कि बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है, और मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी इनकी पहले से भी, इनकी शादी की लुक्स की इनके पॉडकास्ट की, हर एक चीज़ की। ये ब्रांड है फॉर यू बाय वरीशा। इन लोगों को वरीशा के बारे में नहीं पता, वो जाके सर्च कर लें वरीशा को, ये बहुत ही प्यारी इन्फ्लुएंसर है, इनकी बहुत ही प्यारी बेबी है, बहुत ही क्यूट बहन है इनकी, और मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ इनकी हमेशा से। और जब इन्हें ब्रांड इंट्रोड्यूस किया तो मैं कैसे पीछे रहती, मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया, और ये मैंने सॉलिड ब्लैक कलर ऑर्डर किया जो कि बेसिक स्टाइल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं मैंने पहना हुआ भी है इसी की तरह। और इसकी सबसे अच्छी बात, स्टिच होके मेरे पास आया, मेरे साइज़ का था, और जस्ट फॉर 4500 रुपीज़, टू पीस है ये। इसकी स्लीव्स की डिटेल्स देखें, कितनी प्यारी इसकी स्लीव्स की डिटेल है, इसकी नेक की डिटेल देखें, इस नेक से इंसान बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जब भी ये कपड़े पहने हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है मुझे कि यार आप बहुत पतली लग रही हो, तो कपड़ों के स्टाइल से भी आप पतले और मोटे दिख सकते हो, तो दिस इज़ अमेजिंग। इसका प्लेन सा ट्राउज़र है लेकिन लुक्स अमेजिंग। मैंने इनके ब्रांड से जितने इनके बेसिक आर्टिकल्स थे सारे बाय किए हैं अपने पैसों से, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं ये एक साल से यूज़ कर रही हूँ और इनकी क्वालिटी अमेजिंग है। आप आंखें बंद करके ये बाय कर लें अगर आप लोगों को मेरी तरह लोगों को धोखा देना है और पतला दिखना है। इनकी जो कैंपेन थी ना वो बहुत इंस्पायरिंग थी, जब मैंने कैंपेन देखी मैंने कहा आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट,
और ये इतने प्यारे तरीके से आपको पार्सल डिस्पैच कराते हैं, साथ ये हर ड्रेस के मैचिंग टॉप्स देते हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगता है। और इनकी जो मैंने कैंपेन देखी थी, मैं इसलिए इंस्पायर हुई थी ना क्योंकि इन्हें डिफरेंट साइज के इन्फ्लुएंसर्स को पिक किया था फॉर द कैंपेन। उसमें इनकी अपनी बहन भी थी समाहर जो कि प्लस साइज है, और वरीशा आफ्टर द बेबी खुद भी प्लस साइज है, नॉट टू मच लेकिन हैं थोड़ी क्यूट सी, गुपलू गुपलू सी। तो इन लोगों ने अपनी कैंपेन बहुत अलग की थी, और उसकी इनकी कैंपेन में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो सब मेरे फेवरेट थे, तो मैं कैसे पीछे रहती। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक थर्ड ऑनलाइन ब्रांड। अगर आप मेरी तरह ना क्राउड से तंग होते हो, मॉल्स में जाना पसंद नहीं है, शॉप्स में जाना पसंद नहीं है, सोशल एंजाइटी है मेरी तरह, तो आप घर में बैठ के इन शॉप से अपने लिए समर क्लोथ्स ऑर्डर कर सकते हैं आराम से, और मुझे दुआएं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ठंडे इनके फैब्रिक है। इग्नोर द इस्त्री, क्योंकि मुझे पता है इसकी इस्त्री बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये ब्रांड है रोज़ाना। ये इनका लार्ज साइज़ है, ये डार्क भी है, सॉलिड है, मैचिंग इसके मैचिंग ट्राउजर्स है खुले पोंचो वाला। दिस इज़ एन अमेजिंग आर्टिकल, इसको भी पहन के हर किसी ने मेरी बड़ी तारीफ की है। इसके फ्रंट पे ये देखें, ये डिटेल्स हुई हैं फ्रंट पे इसकी, और इसकी बैक पे ये चुनट है जो कि मैंने अपने कपड़े में दी हुई है, दूसरे कपड़ों में भी करवाई हुई है, इस तरह की ये चुनट है। और इसकी स्लीव्स देखें, स्लीव्स इसकी ऐसे हैं, अमेजिंग। कितना सिंपल सा कपड़ा है लेकिन कितना स्टाइलिश बन गया सिर्फ डिजाइनिंग से। अब मैं दिखाने वाली हूँ अपना लास्ट ड्रेस जो कि मामा ने मुझे पिछले साल गिफ्ट किया था, लेकिन आपकी बहन ने नहीं पहना था, और मामा हर दफ़ा कहती है तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वापस दे दो। मुझे वाकई पसंद था लेकिन ये हर दफ़ा पहनते वक्त मिसप्लेस हो जाता था, जिसकी वजह से मैं पहन नहीं सकती थी। लुक एट दिस, अमेजिंग। दिस ड्रेस इज बाय जनरेशन, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये मेरा कितना फेवरेट है। ये बहुत 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 लॉन्ग शर्ट है, आपको नीचे तक नज़र नहीं आनी, ये देखिए बहुत लॉन्ग शर्ट है ये, ए लाइन शर्ट है, मैक्सी टाइप है। ये पहन के एक तो मैं लंबी लगती हूँ, दूसरी मैं पतली लगती हूँ, और इसका गला मैं कहती हूँ, मतलब मैं हैरान होती हूँ ये जनरेशन वाले कैसे बनाते हैं। ये आम कुर्ता गला नहीं है, मतलब ये बहुत तंग है, बिल्कुल ऐसे आता है ना, और छोटा सा इसका बैन है, तो पहन के आप इतने ग्रेसफुल लगते हो ना कि आपकी सूझ है। और इसकी ये देखें स्लीव्स, इसमें चुनटे हैं सारी, ये देखें ये फैब्रिक देखें कितना लाइट है। और इनकी क्रिएटिविटी अमेजिंग है, क्यों, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, डिज़ाइन से आप पतली भी लग सकते हो, मोटे भी लग सकते हो। और ऑनेस्टली जनरेशन के कपड़े मैंने जब भी पहने, हर किसी ने कहा भैया बड़ी अच्छी लग रही हो, अगर मैंने इस तरह का नेक पहना है। मैं जब भी राउंड नेक पहनूँ तबाही भर जाती है, हर कोई कहता है वेट गेन कर लिए। इसलिए मैंने राउंड नेक से नफरत हो चुकी है, और मैं नहीं बनाऊंगी राउंड नेक, नहीं, नेवर। मुझे अब बिल्कुल बंद गले पसंद है, या तो मुझे बोट गले पसंद है, और बहुत ज़्यादा डीप वाले नहीं, मतलब मॉडेस्ट बोट। तो ये थी मेरी समर कलेक्शन, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। यही मेरे कपड़े थे, कुछ पिछले साल के थे और कुछ इस साल मैंने लिए हैं। इस साल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं खुद फैब्रिक लेके दुपट्टा मैचिंग करके, या आप सबको पता है कि हम लोग मोस्टली वाइट चादरें पहनते हैं अपने कपड़ों के साथ, तो वो चादरें हमने रंगवा के, लेसे उस पर लगा के अपने लिए कपड़े सेट कर लिए हैं, बराबर कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरी इतनी क्रिएटिव मामा है कि वो इतने प्यारे डिज़ाइंस मुझे बता देती हैं जो कि मेरे साथ सूट भी करते हैं, इसलिए मुझे ब्रांड्स में जाके ज़्यादा ओवर खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वीडियो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि आप कैसे खुद कम पैसों में अच्छे डिज़ाइन के कपड़े पहन सकते हैं और एलिगेंट लग सकते हैं। आई होप मेरे ड्रेसेस आप सबको पसंद आएंगे। जो आपका फेवरेट ड्रेस है कमेंट करें, मुझे बताएं कि कौन सा डिज़ाइन आपका फेवरेट लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर इन फ्यूचर में सब मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो और मैं अपनी क्लोथिंग लाइन खोलना चाहूँ, तो क्या आप लोग मुझसे ड्रेसेस लेंगे मिनिमम प्रॉफिट पे। मैं कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखूँगी, मैं कोशिश करूँगी बहुत मिनिमम प्रॉफिट रखूँ हर ड्रेस पे, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू बिल्ड अ ब्रांड जिसके पैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस में दे सकूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। फिर मिलते हैं वेरी सून विद एन अनदर वीडियो, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।